दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सचिदानंद दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों हमें गॉसिप करने में कितना मजा आता है ना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। हम शुरू हो जाते हैं ये कहकर, क्या आपने सुना है हमारी फ्रेंड का डिवोर्स हुआ और हमारी पड़ोसन कितनी बातें करती है, हमारा बॉस कितना खड़ूस है, हमारे ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता, हमारे ससुराल में तो ऐसा नहीं चलता, हमारे फ्रेंड की बच्ची का बहुत बुरा हुआ और न जाने क्या क्या। तो दोस्तों क्या ये सब बातें हम जाने अनजाने में कर ही जाते हैं, तो क्या ये बातें निंदा या गॉसिप कहलाती है? इसमें कौन सा भाव काम करता है? क्या किसी को नीचा दिखाकर हम ऊपर उठना चाहते हैं? दोस्तों क्या आपने सोचा है कि ऐसे ही किसी की बुराई करने का नतीजा क्या हो सकता है? चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। निंदा रस को कैसे त्यागा जाए, क्योंकि जब निंदा हो जाती है उसके बाद जागृति तो आ जाती है और फिर प्रतिक्रमण भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वही गलती बार बार होती है। किसकी निंदा करने की इच्छा हो जाती है? जिसके प्रति द्वेष रहता है। हाँ, तो द्वेष को खत्म करो, निंदा का दो परिणाम है, और द्वेष भीतर में आत्मा को पहुंचता है और हमारे ही आत्मा के ऊपर आवरण बढ़ेंगे, हमारे ही आत्मा के अंतराय बढ़ेंगे, तो हमें पसंद आएगा नहीं आएगा। तो फिर ये समझना चाहिए कि हम किसकी निंदा करते हैं, शुद्धात्मा की निंदा हो जाती है कि देहधारी के भीतर में शुद्धात्मा उसी की निंदा पहुंचती है। कपड़े को हम लकड़ी मारेंगे तो कपड़े को लगेगा कि आदमी को लगेगा? कपड़े को भी। कपड़े को नहीं, आदमी को लगेगा। भीतर में आदमी है और कपड़ा पहना है, मैं तो कपड़े के ऊपर मारती थी, अरे आदमी को लग जाता है। तो ये निंदा शब्द हम किसी व्यक्ति के लिए बोले तो उसके भगवान को पहुंचता है, क्योंकि उसकी बिलीफ में मैं हूँ वही है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन तो नहीं। अभी क्या है कि निंदा के टाइम प्रतिक्रमण करो और बाद में उसको शुद्धात्मा स्वरूप से देखो और द्वेष भाव निकालो। किसी के प्रति द्वेष रखने का क्या अर्थ है? ये दादाजी की चौथी कलम है, किसी के प्रति अभाव तिरस्कार न करे ऐसी शक्ति दो। देखो निंदा करने के लिए टाइम मिलता है, चरण विधि करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बुद्धि कैसी लबाड़ है, देखो ऐसे संयोग आ जाते हैं ना तो तुरंत मुंह से मैंने निकल जाता है। हाँ, तो हमारे बुद्धि में हम अहंकार में है, हम कुछ बड़े हैं, ये लोग सब हल्के हैं, नीचे हैं, इसके लिए दूसरे की निंदा कर देते हैं। दूसरे को नीचा करेंगे तो ये ऊंचा आ सकते हैं ना, ये बुद्धि में ऐसा अहंकार में ऐसा रोग है। हम दूसरे के पॉजिटिव देखो तो हम लघुतम होंगे, पॉजिटिव देखना शुरू करो। दूसरे की निंदा नेगेटिव देखने में हमारा आत्मा के ऊपर आवरण भी बढ़ेगा और सामने वाले का वैर का हिसाब हमारे साथ बना जाएगा। हमें द्वेष भाव नहीं करना है, उसके शुद्धात्मा देखो, रिलेटिव में पॉजिटिव देखो, तो निंदा छूट जाएगी। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हमारी निंदा चुगली करे या कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है क्या बोलता है उनसे, उनकी हमको 1% भी परवाह नहीं होती, तो क्या फिर भी उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए? फिर भी हम सुनते तो है ना, हमारी निंदा चुगली कुछ हमारे बारे में कहा, हमारे पास बात तो आती है ना, आती है कि नहीं? हाँ, एक्सप्रेशन से भी पता चलता है। तो चलता है तो फिर तुरंत प्रतिक्रमण करो। ये सुमित्रा के पास प्रतिक्रमण करवाना ही चाहिए, क्योंकि हमारी निंदा हमारी चुगली हमारे बारे में ये हमारा कान तो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर हमारा राग द्वेष है उसके प्रति, है उसको भी कुछ नेगेटिव बोलना पड़ा तो हमारे प्रति उसका भी राग द्वेष है। प्रतिक्रमण करो अच्छी तरह, हाँ करना आवश्यक है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दीपक भाई, ओ निंदा आराधना अपराध इनमें क्या डिफरेंस है? वो दादाजी की एक किताब है, भावना से सुधरे भव,
उसमें बड़ा समझ नहीं लगा उसमें अच्छे से, उसमें नहीं समझ में आया। उसमें मुख्य शब्द है वो निंदा, यानी क्या कि कोई आदमी के लिए बुरा बोलना, उसके दोष के चर्चा करते हैं वो निंदा बोला जाता है। और विराधना तो उसके लिए अपोज में बैठे कि यह आदमी सही से, कोई आदमी विराधना करता है तो उसके लिए दिन रात नेगेटिव उसके चालू ही रहते हैं। ये निंदा में तो टेढ़ा मेढ़ा बोल के बंद हो गया, और विराधना तो 24 घंटा और 30 दिन चालू है, मतलब हर वक्त जो हर वक्त उसके लिए अपोज 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 के, ये आदमी इधर होना ही नहीं चाहिए, उसको निकाल दो, ये आदमी ऐसा नुकसान करता है, सबको ये बिगाड़ता है, दिन रात उसके लिए नेगेटिव चालू है। और धर्म के लिए किसी को विराधना हो जाती तो धर्म गुरु के लिए होती है, तो सारा दिन उसके द्वेष 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 रहता है। आराधना यानी फॉलो करना, विराधना यानी अपोज करना, और अपराध यानी अपोज करता है मगर यानी एग्जैक्ट विराधना में नहीं गिरता है। मगर ऐसे तो बहुत प्रपंची रोग आते हैं, ठीक है चलो जाने दो हम तो नहीं जाते, ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल के उसके लिए निंदा शब्द यानी बुरे शब्द बोलता है। उसको मालूम नहीं कि ये सच्चा है कि गलत है, कुछ टेस्ट चेक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सामान्य उसका कुछ अभिप्राय होगा कि ये धर्म वाले तो ऐसे ही है, ऐसे उसका नेगेटिव बोल देता है। तो विराधना अपराध और आराधना तीन शब्द है। तो ये निंदा अपराध में चली जाती है कि कुछ भी हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी शब्द किसी के लिए नेगेटिव बोलेंगे तो वो दूसरे का नहीं बिगाड़ते है, हमारे खुद के ऊपर ही वो पत्थर गिरेगा। एक भी शब्द इस जीवन में किसी भी जिंदा व्यक्ति के लिए बोलना वो हमारे खुद के ही आत्मा का बोला बराबर है, हमारे ही आत्मा के ऊपर आवरण आ जाएगा, यानी हमारे तरफ से किसी के लिए नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए। समझे, ये नेगेटिव दोष है सब, निंदा विराधना अपराध, और अवर्णवाद भी उसी में ही आता है। अवर्णवाद यानी जैसा है ऐसा ही बोलना चाहिए कि 10 उसमें बुराइयां हैं 90 अच्छाइयां हैं, ये तो 10 बुराइयां के बदले उसको क्या बोले, ठीक है ये आदमी ऐसा है, एक बुराइयां से सारा आदमी के ऊपर आक्षेप डाल देते हैं, उसको अवर्णवाद बोला जाता है। जैसा है वैसा तो बोलता ही नहीं, उसके उससे कुछ उल्टा ही बोल देता है, और वही दोष के वजह से आवरण आते हैं। इसके लिए दादाजी ने 9 कल में बताई ताकि कितने प्रकार के आवरण हमारे छूट जाए, मुक्त हो जाए उससे, दोषों से। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों क्या आप जानते हैं समाज का, सोसाइटी का, हम सब का सबसे बुरा डिजीज कौन सा है? निंदा, गॉसिप, जिससे हम सब के बने बनाए घर उजड़ जाते हैं। किसी की छोटी सी बात पे हम रिएक्ट कर जाते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम सच भी नहीं होती। तो ये निंदा गॉसिप हम क्यों करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। निरुमा के सत्संग में एक बार कहा था कि हम जिस कार्य की निंदा करते हैं वही दोष हमें भी होता है। बरोबर है, जितना भी दोष दूसरे के देखते हैं वो दोष खुद में कुछ होना ही चाहिए, और खुद निर्दोष हो गया तो किधर भी दोषी तो उसको कोई दिखेगा ही नहीं। यानी पीला चश्मा है तो पीला दिखेगा, और चश्मा ही पीला नहीं, हमारी दृष्टि ही निर्दोष हो गई तो किसी के दोष दिखेंगे भी नहीं। और किसी के दोष दिखते हैं तो जरूर समझना कि हमारे में दोष है ही है, और दोष का मालिक कौन है, अहंकार बुद्धि। तो अहंकार बुद्धि है वहां तक सामने वाला भी दोषित कुछ ना कुछ तरीके से दिखाई देता है। तो तुरंत समझ जाने का कि अहंकार हमारे को उल्टा दिखाता है, बुद्धि हमें उल्टा दिखाती है, और बुद्धि अहंकार चले जाएगा तो हमें निर्दोष दिखेगा जगत। मेरा ये अनुभव रहा है कि मैंने जब भी दूसरों को दोष देखे वो बाद में मेरे में आए, पहले तो नहीं थे बाद में आने लगे। बाद में आने ने एक्चुअली क्या है, वो थे ही, अंडरग्राउंड थे, उसको पानी मिला तो ऊंचे आ गए। अच्छा, तो थे ही थे, इसके लिए तो आपको टेढ़ा दिखना चालू हो गया था। और दूसरे के दोष दिखाने वाला कौन भीतर में, बुद्धि अहंकार। और दूसरा शब्द में बोलना है तो क्रोध मान माया लोभ ही हमें दूसरे का गलतियां दिखाते हैं, यानी वही दोष है, क्रोध मान माया लोभ वही दोष है। हमें मान का दोष है तो लगता है कि ये नीचा है, मैं कितना ऊंचा हूं, ये बेवकूफ है, मैं होशियार हूं, ये हमारा ही मान हमें दूसरे को दोष दिखाता है। एक्चुअली दूसरे का दोष देखने से हमारे में दोष आए वो गलत बात नहीं है, मगर थे ही थे, किधर खत्म हो गए हम, निर्दोष किधर हो गए। अभी शुरुआत करते हैं कि अभी ये ज्ञान की दृष्टि मिली वहां से हम शुरुआत करते हैं। अभी धीरे धीरे हम 5 आज्ञा में रहेंगे, जितना प्रमाण में 5 आज्ञा में रहोगे उतने दोष खत्म होते जाएंगे।
जय श्री जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी की प्रार्थना में अविराधक अविराधक भाव और आराधक भाव इसमें ऐसे लिखा है कि सारे जगत के जीव मात्र के प्रति अविराधक भाव और समकितधारी ज्ञानियों के प्रति आराधक भाव। तो इसमें क्या होता है, नहीं सुबह आदमी न्यूज़पेपर लेके बैठेगा, ये साला दिल्ली में ये लोग को चलाने को नहीं आते, कितनी गालियां देते जाएगा और पढ़ते जाएगा, ये पुलिस वाले ने ये किया, कॉन्स्टेबल ने ये किया, ये लोग ने प्रेमी और पत्नी ने पति को मार डाला, साला ये ऐसा, कितने गालियां देते रहेगा। ये निंदा करना, दूसरे का नेगेटिव बोलना विराधक भाव है। अच्छा। तो न्यूज़पेपर में या न्यूज में चैनल में और किसी से बात करते करते भी कितनी नेगेटिव बोलते ही रहता है, उसको विराधक भाव बोला जाता है। अभी कोई भी आदमी कुछ भी करता है वो अपना कर्म का फल भुगत रहा है और कुदरत उसको सजा देने वाली है। जैसे कोई चोरी करता है तो न्याय तंत्र क्या बोलता है, भाई हम लोग सजा करेंगे, आप मत करो। तो कुदरत में का गुनहगार है, कुदरत उसको दंड देगी, हम क्यों उसके लिए नेगेटिव बोल के हम गुनहगार हो जाए। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि सारे दुनिया में कुछ भी हो हमें अविराधक भाव रखना है, कोई भी जीव मात्र प्रति अविराधक भाव रखे, और जो आत्मज्ञानी है मोक्ष मार्गी है उसके प्रति आराधक भाव रखे, ताकि उसके गुण गान गाए को हो कितनी अच्छी जागृति है, कितनी अच्छी भक्ति है, कितना समर्पण भाव है, कितना पुरुषार्थ है, तो हमें भी वो गुण प्रकट होते जाएंगे। तो ये आराधक भाव बोला जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं दो दोस्तों के बीच, दो पड़ोसियों के बीच, दो कॉलीग्स के बीच, देरानी जेठानी के बीच होने वाली गॉसिप की, निंदा की। तो दोस्तों क्यों करते हैं हम गॉसिप, क्या मिलता है हमें गॉसिप करके, हमारा क्या नुकसान हो सकता है, ये निंदा या गॉसिप का रूट कॉज क्या है, कैसे बचे इस बीमारी से। चलो आज इन सारे सवालों का जवाब समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। हम लेडीज लोगों को बहुत एक स्वभाव रहता है कि हम ज़्यादा करके निंदा करने में बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, किसी का दोष देखने में हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, दोष देखते भी हैं निंदा भी करते हैं, उससे हमारा कौन सा कर्म बनता है? दुखी होने का। दूसरे की निंदा करोगे आपकी निंदा होगी, दूसरे को त्रास देने का भाव भी करोगे आपको त्रास आएगा, दूसरे की चीज़ चोरी करने की इच्छा करोगे तो आपके वहाँ चोरी हो जाएगी, दूसरे को आप दान दोगे तो आपको लक्ष्मी पाओगे। जैसा भाव करते हो वो खुद को ही प्राप्ति होगी, आप निंदित होते जाओगे निंदा करने से। नहीं, किसी को दुख नहीं देना, किसी का बुरा नहीं, शब्द भी निकल चुका तो प्रतिक्रमण करो, हमें क्या अधिकार है दूसरे के दोष देखने के, दूसरे के नेगेटिव दूसरे को बताने का। और जो दोष देखते हैं ना, हम चाहते हैं नहीं देखना है फिर भी हो जाता है, हाँ, वो भी पाप है क्या? दोष देखते हैं तो वो ऐसा है, वो वैसी है, बहुत दोष है, वो ही गुना है ना, वो आत्मा को हम गुनहगार देखते हैं। गधे का भी तिरस्कार किया तो एक अवतार गधे में जाना पड़ेगा, तो ये आदमी का तिरस्कार करते हैं तो कितनी गधोगति मिलेगी हमें, तो उनका दो फल मिलेगा, वो आदमी को मालूम होगा तो वैर बंधेगा हमारा, और हमने उसका बुरा सोचा तो हमें दुख आएगा, डबल डबल फल आएंगे, तैयारी रखो। हाँ, प्रतिक्रमण करोगे हाँ, तो फिर गुनाह धोया जाएगा, दूसरे भाव में जवाबदारी नहीं आएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों आज हमने जाना कि निंदा कुतली या गॉसिप का नतीजा क्या हो सकता है। तो चलिए ईश्वर से प्रे करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, दिव्य जीवन हो हमारा, प्रभु तेरा यश गाया करे। तो दोस्तों ऐसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इसी रेडियो चैनल पर इसी समय। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। अब प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।